सीधे गोल करेंगे यहाँ। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। यानी कि आप लोगों ने टूर्नामेंट जीत लिया है। खेल में हार और जीत जब दो टीमें खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा। हम लोगों को एक टीम स्पिरिट की तरह सबको खेलना है। आई एम वेरी फील लकी टू पार्टिसिपेट आज इस मैच को पार्टिसिपेट करने के लिए और आप लोग का खेल देखने के लिए हमको मौका दिया गया है। ये सेलिब्रेट कमिटी जो फुटबॉल कमिटी है, सेलिब्रेशन कमिटी है जो भी हो, और बहुत अच्छा लगा है। हम भी पहले फुटबॉल खेला करता था, ऐसे फुटबॉल का रेफरी भी हम भी हैं। बोर्डम साहब हम ही रेफरी करता है ज़्यादा। तो अपक्सु उनका जो वुमन को प्रमोशन करना बहुत ज़रूरत था, खासकर अपना दहीन एरिया में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक, उम्मीद करता है दोनों जीते। ऐसे तो होता नहीं, पर जीतने के लिए कोशिश करें। हर जीत तो गेम का एक नियम है, पर जीतने वालों को बधाई मिलता है, हारने वालों को एक उम्मीद मिलता है कि आई कैन डू अगेन। तो ये विश करते हुए आप सबको अच्छा बेस्ट विशेस एंड थैंक यू। जी हाँ, भूमि फिर से गले को मिलते हुए अब तक नियंत्रण में नहीं थे। कनक अच्छी क्लीन फिर से कनक यहाँ बढ़िया डिफेंस, यहाँ दबाव बनाने की कोशिश। अच्छी डिलीवर हुआ खिलाड़ी आरोसी वॉलंटियर्स। रीटा होम महाबोधि फुटबॉल क्लब प्लेयर लिस्ट आरोसी ठैंग जर्सी नंबर 10। क्या यह मौका बनाएगा? डायंट बाजार एफसी जर्सी नंबर 14 डायरेक्ट मारने की कोशिश। अपक्सो ये जो ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लड़की लोग को भी, ये वीमेन लोग को भी खेलने के लिए वो दिया गया है आज ये टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्लियामेंट में भी पास किया है 33 रिजर्वेशन सिर्फ वीमेन के लिए। उसके लिए उन लोग को, हम लोग को मौका देना चाहिए हर जगह में, खेल कूद में हो या कहीं पर भी, मैंने जो भी हो, जो भी मैंने ये देश में हम लोग को जो भी एक्टिविटी में हो, ये वीमेन को हम लोग
अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बोल के हम यही मैसेज देना चाहूंगा। वेलकम टू द सेमीफाइनल सेरेमनी ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ अक्सु विंटर टूर्नामेंट। राइट नाउ आई एम जॉइन बाय दृश्यमणि चकमा हु रिप्रेजेंट अपक्सु एज अ प्रेसिडेंट। स्वागत है दृश्य भाई आपको। थैंक यू नाइन टाइम्स। दृश्य भाई, हमने देखा लगातार अपक्सु के तरफ से ड्रग्स को लेकर काफ़ी मुहिम आप लोगों ने, मतलब ओपनली आप लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट है यहाँ पे, ये भी इसका जो मोटो है सेफ नो टू ड्रग्स, क्योंकि जिस प्रकार से डांस सर्कल में ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं लोग, तो ये जो आइडिया है और आइडिया बोल के नहीं, ये जो जब से आप लोग ये कर रहे हैं अपक्सु टूर्नामेंट ड्रग्स के मुहिम, कितना इम्पेक्ट आया है अभी तक? आपको पता होगा जब 2019 में कोरोना आया था, उसके बाद काफ़ी बच्चे मेट्रो सिटीज से, स्टूडेंट्स हो या काम करने वाले बाहर हो, बाहर के यहाँ पे लौट के आए थे, रिटर्न आए थे। रिटर्न आने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, उसके बाद इन लोगों ने घर में बैठ के कोई काम ना होने के कारण एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग्स में, नेक्स में या नर्कोटिक्स वगैरह में लिप्त हो गए। उससे हम लोगों को ये पता चला कि काफ़ी परिवार इसमें अफेक्टेड हो गए, काफ़ी यंग जनरेशन इसमें अफेक्टेड हो गई। फिर 2021 में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया बच्चों को इंगेज करने का, और जो हमारे यूथ्स हैं उनके टैलेंट को हंट करने का एक ही नज़रिया है, उसको हम लोग स्पोर्ट्स के थ्रू हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन विंटर कप करके हम लोगों ने एक नाम दिया है, एंड दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट्स। लास्ट ईयर हम लोगों ने नहीं कर पाया ड्यू टू वेरियस रीजंस, RPC मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा था, उसकी वजह से इसलिए हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने सेकेंड एडिशन स्टार्ट किया है। सेकेंड एडिशन का एक आप लोग को अलग चीज़ है कि इसमें हम लोगों ने यंग्स जो ओमेंस है उनको भी, जो गर्ल्स है उनको भी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम किया है। उसमें हम लोग को जो हिडन टैलेंट्स है हमारे पर्टिकुलरली गर्ल्स में, उनको लो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, जो अभी इस समय सर्कल लेवल पे खेल रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे, आगे जाके स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे दैन सर्कल में काफ़ी बार लोग फुटबॉल टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन खास करके लड़के भी नहीं करते हैं, तो इस बार जो ये आइडिया है कहाँ से आया आप लोग को और कितना इम्पैक्ट आया जब से आप लोगों ने वोमेंस को खिलाया है? आपको पता होगा पूरा इंडिया 50% रिप्रेजेंटेड बाई वुमेंस, अगर 50% वुमेन को रिप्रेजेंट साइडलाइन करके हम लोग केवल मेंस को हम लोग अगर एम्पावर करते हैं तो ये अन्याय होगा मुझे लगता है, क्योंकि अक्रॉस इंडिया वोमेंस केवल इसमें लीडरशिप एम्पावर भी नहीं हो रही है, लीडरशिप भी उनका एम्पावर किया जा रहा है। तो इसमें हमने एक चीज़ ये सोचा कि आने वाले समय में हम लड़कियों को जो हिडन टैलेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम करेंगे। और खास बात यह है कि इसमें केवल पर्टिकुलरली इस एरिया में जो कम्युनिटीज़ है, चकमा, हाजोंग, चिंगपू, कामटी, नोक्ते, तांगसा, सोनवाल, आदिवासी नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं इसमें, तेजू से भी है, आपका लोहित से भी है, और आपके इधर म्याओ सर्कल से भी है, करसांग, पूरे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के एरिया से कुछ ये जो एफसीस है उन लोगों ने हायर करके लाया है। अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक जो हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।